एशिया का सबसे ज्यादा उम्र का हाथी असम में है। 86 वर्षीय हाथी असम के विश्वनाथ जिले में बेहाली टी एस्टेट के पास है। तकरीबन 52 साल पहले इस हाथी को विलियमसन मैगोर चाय एस्टेट ने खरीदा था। तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी जॉन ओलिवर ने हाथी का नाम बिजली प्रसाद रखा था। ये माने मिल है और इक आम आगते बरगेंगत आसे तो बरगेंगर पर आम इतना है 2018 हाथी तो अति मरमियाल इभेन आम मैं निजे ऊर गई के हाथीटक मरम करूँ जी जंतु जानवर जी आक्रमणात्मक भाग थे एटेकिंग मुड जी थे कि बिजली प्रसाद एटेकिंग मुड तो मैं आजिले देखा ना। बिजली प्रसाद जल्द ही विलियमसन मैगोर कंपनी का सदस्य बन गया और विलियमसन मैगोर के अभिजात वर्ग का प्रतीक भी बन गया। अब बिजली प्रसाद की देखभाल बागान के प्रबंधक कुलजीत बोरा करते हैं और कंपनी उस पर 40 से 45 हजार रुपए प्रति माह खर्च करती है। बिजली प्रसाद की एक निश्चित भोजन तालिका है जिसके अनुसार उसे खाना दिया जाता है, जिसमें 25 किलो चावल, 25 किलो मक्का, 25 किलो चना आदि शामिल होता है। बिजली प्रसाद का हर हफ्ते मेडिकल चेकअप भी किया जाता है और हर हफ्ते इसका वजन भी लिया जाता है। डाइट चार्ट है हाथी दैनिक रातिपुआ तक ब्रेकफास्ट करवा है और विभिन्न धरण फल मूल जोगान धरू और दैनिक तार शारीरिक परीक्षा करा है। दैनिक माने साप्ताहिकी एबार शारीरिक परीक्षा करा है आमार डॉक्टर हतुआ। खाद्य आमी बूट दियूं, माकोई दियूं, चाउल दियूं, गुड़ दियूं, ब्रेकफास्ट थेया दियूं, तारपिछत कलगसर जोगान धरा है। चाय बागान के अधिकारियों ने कोलकाता में विलियमसन मैगोर के मुख्यालय को बिजली प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट भेजी। बिजली प्रसाद ने बागान के किसी भी कर्मचारी को कभी भी आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया है। महावत के साथ उसका रिश्ता बहुत सौहार्दपूर्ण है। एशिया के सबसे उम्रदराज हाथी के रूप में विख्यात बिजली प्रसाद न केवल विलियमसन मैगोर के लिए बल्कि पूरे असम के लिए एक गौरव है। दीर्घजीवी हो बिजली प्रसाद। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।